2009 के बाद जो 11th क्लास थी तब उसमें हमने स्कूल में पहली बार मिले थे, और बड़ा अलग ही सा एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि मैं बॉयज़ हॉस्टल से आया था और ये कोएड में पहली बार मैं मिला और लीना को मैंने देखा क्लास में। नॉर्मल स्कूल फ्रेंड्स जैसे होते हैं तो हम हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी है, चाहे हम स्पोर्ट्स में है या किसी इवेंट में हम ऑर्गेनाइज़ करें, तो ऐसे ही हमने टाइम स्पेंड किया साथ में। कैमरा इतना कॉन्शियस भी, मैं स्टेज पे गई थी उसके साथ प्ले पे, तो जिस बंदे के डायलॉग्स थे मेरे साथ, मैं उसके भी बोल रही थी और अपने भी बोल रही थी, और मैं वहाँ पे वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग हैंडल कर रहा था, तो मयंक और मैंने साथ में प्ले किया था। काफ़ी टाइम स्पेंड किया और एक्टिविटीज़ में ओवर द पीरियड हम साथ साथ रहने लगे, दोस्त बने, अच्छे फ्रेंड्स, बातें हुई हमारी, सबसे मिले, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। एक्चुअली 1 महीने तक हम लोग साथ में प्ले की प्रैक्टिस करते थे और सब करते थे, देन ऑल ऑफ सडन 31 के बाद 1 फेब को हम क्लासेस में जाने लगे, तो अपने अपने काम में बिजी हो गए। फेब्रवरी का महीना था, वैलेंटाइन भी पास था और हम दोनों का एक एनुअल फंक्शन एक ख़त्म हुआ जिसमें हमने बहुत टाइम एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करा था। देन फिर मयंक ने रात को प्रपोज किया, एंड नहीं, फ़ोन पे मैसेज किया, एक बड़ा सा कोई शेर लिखा था उसके नीचे, आई लव यू लिख के भेज दिया। तो 2 फेब का एक टाइम था जिस दिन मैंने इनको कुछ बात बोली, इन्होंने फिर हाँ वो अगले दिन रिप्लाई करा हाँ, तो 2 फेब एक ऐसी डेट बन गई कि हम दोनों ने एक दूसरे को ट्रूली एक्सेप्ट करा एक दूसरे को लिए। नेक्स्ट डे उसने मुझसे पूछा कि क्या, लाइक व्हाट्स योर आंसर, फील समथिंग फॉर यू एंड क्या आप सेम फील करते हो तो मुझे बताओ, तो उनका फिर अगले दिन मैसेज आया यस। तो मैंने बोला कि ओके, हाँ बोला। मयंक के बर्थडे पे मिले थे 2000, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट मयंक का फर्स्ट बर्थडे था मेरे साथ, हम उसके घर पे गए थे विश करने के लिए, तो सबसे पहले उसकी मम्मा मिली थी, एंड उसकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, लाइक सबका ध्यान रखती हैं, स्पेशली मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। देन फिर मैं दिवाली पे मिली थी ऑफिशियली मिलने के लिए, वहाँ फिर मैं उनके पापा से मिली, पापा भी बहुत अच्छे हैं, चाचा चाची सब बहुत अच्छे हैं, प्रिया बहुत अच्छी है, लाइक मजाक करती है, जॉली नेचर की है, सारी सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिंग है, स्पेशली चीनू दी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, पीनू दी इज़ लाइक अ मदर, उनकी बहुत ज़्यादा एज गैप है, तो वो बहुत लाइक मदर लाइक केयरिंग नेचर है उनका, एंड मीनू दी इज़ चिल आउट। ऋषभ से मैं इतना मिली नहीं हूँ, बट ऋषभ इज़ ऑल्सो क्यूट, लाइक ही इज़ हेयर फॉर मैरिज, बट एक्चुअली ही स्टेज इन US, सो आई हैव नो आइडिया, लाइक आई डोंट हैव दैट मच ऑफ यू नो कनेक्शन विद हिम। घर पे पता चल गया अपने आप ही, अपने आप धीरे धीरे सबको पता लग गया, क्योंकि 8-9 साल हो गए तो बस पता लग गया ऐसे ही। मैं 8 साल से हूँ साथ में, सही चल रहा है, अच्छी बात यही है और हम सारी बात समझ रहे हैं उनकी, और एक अच्छा एक टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो हम दोनों काफ़ी हद तक दूसरे को समझते हैं, कहाँ पे वो अब हम मुझे चुप रहना चाहिए, कहाँ उन्हें चुप रहना चाहिए। उल्टा मैंने उसको उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास भेजा था कि जा प्रपोज कर, और मैंने कैंटीन से उसको उधार पे टॉफ़ी दिला के भेजा था। लड़ाई तो होती है, हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, बिल्कुल, तो ये यही तो स्पाइस होता है एक रिलेशनशिप में, लड़ाइयाँ नहीं हो तो फिर सुलझाओगे कैसे, मनाओगे कैसे, तो चॉकलेट्स है, बुके है, रोज़ है, कुछ ना कुछ बहाने से यही चलता था, इसी बहाने बातें होती थी आगे। अच्छी क्वालिटी ये है कि वो जवाब नहीं देता, अगर झगड़ा हो जाता है तो वो शांत रहता है, दूसरे बंदे को बोलने देता है, वो इतना नहीं बोलता, बट हाँ शांत रहता है, वो शांत स्वभाव का है। बड़ी दिल की साफ है और एकदम से बात अपनी पूरी बोल देती है बिना कुछ डाउट के कि हाँ सही है नहीं है, जो कि उनकी एक अच्छी सी बात निखर के आती है कि बात बोल देती है, आज के टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं ऐसे। मैं बहुत लाइक डिसेंट है, बहुत प्यार से बात करता है और सबका ध्यान रखता है, सबको लेके चलता है। मैं उनको मनाता अच्छे से, कभी दिक्कत होती तो मना लेता था उनको, तो ये शायद बात उनको अच्छी लगी, कभी बहाने से कुछ भी दे दिया, चॉकलेट दे दी, वो गाड़ी में छुपा के दे दी, किसी चीज़ में रैप करके, तो ये एक थोड़ा सा हम अच्छा रखते एक दूसरे को। उनको शॉपिंग बहुत पसंद है, मेकअप बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है और अलग अलग टाइप का खाना बहुत पसंद है उनको, और मैं उनके साथ हर जगह चलता रहता हूँ, नहीं मैं ही मनाता था ज़्यादातर तो, क्योंकि मेरी कोई ना कोई गलती होती थी, लेकिन वो चीज़ एक अच्छा एक हमको एक पुश करता था रिलेशनशिप में कि हम एक दूसरे को मनाने का मौका मिलता था।
हाँ उसे पता है कि मुझे शॉपिंग पसंद है तो वो मुझे शॉपिंग पे ले जाता है, बस मैं मान जाती हूँ। कभी वो भी मनाते थे, कभी हमारे मेरी फेवरेट चीज़ पिज्ज़ा है जैसे, तो वो बोलते जानबूझ के पिज़्ज़ा लेके आती थी, फिर हम मैं खुश हो जाता उस बात पर। खाना पसंद है मुझे बाहर का, या मतलब नया नया खाना पसंद है तो उसको भी पसंद है, तो हम दोनों बाहर खाने जाते हैं बस। उसे स्विमिंग करना पसंद है बट आजकल नहीं कर रहा। उनकी फैमिली, उनकी मदर है, फादर है, छोटा भाई है। फादर जो कि सिंपल उनका नेचर है, ज़्यादा कुछ फैब्रिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात बोलते हैं, सिंपल सी समझ आ जाती है। बहुत मिस करने वाले हैं मम्मी पापा को, स्पेशली पापा को। कोई मैसेज देना चाहते यही कि अपना ध्यान रखना और मम्मी से झगड़ा मत करना। भाई के लिए थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई पे ध्यान दे और थोड़ा सा मतलब फोकस्ड हो जाए काम को लेके अपने। बहुत हो गया घूमना फिरना ये सब, अब थोड़ा टाइम अपना सीरियसनेस में निकाले। मम्मी को बस बोलना गुस्सा ना करें, पैनिक अटैक्स ना लाएं लोगों को और खुद को, शांति से रहें, शांति से सब हो जाता है। So, this message is for my best teammate Mayank and Lina. It's been long time. We have been part of a relation which we have grown together. It's been long time since what, 2012, I guess. Started from UK and now till date. I had couple of good photos of you both together, which we clicked in Lansdowne. I've shared them with you. That's probably the first time you went down on your knees to propose her. There are a couple of photos where you even picked her up. Don't go on the sizes that time. They have reduced a lot, both of them. But yeah, keep smiling, guys, and have a lovely life ahead. आई विश यू बोथ मैन, मैं बहुत साल से देख रहा था तुम्हें, साथ हूँ 6-7 साल से, 8 साल से अपना। सो आई विश कि यू हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड और खुश रहो भाई। मिस तो कर दी शादी मैंने, पर स्टिल मतलब खुश रहना भाई अपना, बढ़िया। मैं आप जैसे हो वैसे ही रहना और थोड़ा सा मेरे पे टेंशन देना, थोड़ा नहीं थोड़ी ज़्यादा, और लोगों से, और बस ऐसे ही रहना हमेशा शांत। आज देख लो एकदम सच के वेट कर रहे हैं हम कब से उनके लिए, बस इंतज़ार है उनका कि मैं उनके लिए अच्छे से रहूं और इम्प्रूव करूं उनके लिए, ताकि वो खुश रहे मेरे साथ।